कभी ऐसा सुना है कि व्हाट्सएप पे भी आप कुछ फाइनेंशियल सर्विस का लाभ ले सकते हो? नहीं ना, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा। व्हाट्सएप आने के बाद कस्टमर की सर्विस जो है वो बहुत बेस्ट हो गया है, ऑन द स्पॉट डिसीजन दे सकता है। तो आज मैं ऐसे ही सर्विस के लिए बात करूंगा जो आप व्हाट्सएप से आसानी से फाइनेंशियल सर्विस का लाभ ले सकते हो। लाभ कैसे लेना है, प्रोसेस कैसे है, बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हम लोग कॉमेंट करके बता सकते हो। आजकल सभी बैंक या फाइनेंस कंपनी जो है उसका एक व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, ठीक है। आपका जो प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, जो आपकी सर्विस रिक्वेस्ट है, वो तुरंत आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए, जब चाहे तब, 24/7 आवर्स। तो आपको जो कॉल कस्टमर केयर में कॉल करने का उसमें टाइम लगता है, वो आपको रिड्यूस हो जाए, तो आप आसानी से लाभ ले सकते हो। आज ऐसे ही बात करूँगा कि फाइनेंशियल सर्विस की, जैसे इंश्योरेंस, लोन, डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ऐसे कोई आपको ओपन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कैसे कर सकते हो? एक जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्प्ले पे आपको मिल जाए ना, व्हाट्सएप नंबर सेव करना। सेव करने के बाद उस पर हाई लिख के मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा 10 सर्विसेज है, उसमें जो भी आपकी सर्विस की ज़रूरत है वो नंबर है वो प्रेस करना है। जैसे ही आप करेंगे तो उसको रिवर्ट आएगा, चाहे कोई भी सर्विसेज हो, ये सर्विस जो आएगा उसमें आपको सजेस्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करो, अगर आपको लोन लेना है तो लोन के लिए 4 नंबर है, तो 4 या लोन लेके मैसेज करेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि आप करते क्या हो, बिजनेस है, जॉब है, प्रोफेशनल है, क्या है, तो उसका रिवर्ट देंगे। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप क्वेश्चन का आंसर देंगे उसी हिसाब से आपको फिल्टर करके दे देंगे कि आपको कैसे करना है। और उसमें बैंक अकाउंट ओपन करना है तो बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट का जो आपको सजेस्ट किया जाएगा, ये कंपनी में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, या बैंक अकाउंट में ओपन कर सकते हो, या लोन जो है वो डायरेक्ट इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, तो ये जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके आगे के प्रोसेस करना है। ये जो सर्विसेज हैं वो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं पे करना है। ये जो कंपनी सजेस्ट किया जाता है उसमें भी कोई भी कंपनी पेमेंट नहीं मांगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप इसमें जो लिंक आती है ना, पूरे व्हाट्सएप पे लिंक आती है, वो लिंक बहुत बार क्लिक नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, बैक जाना है, व्हाट्सएप बंद करके वापस ओपन करना है, और व्हाट्सएप चैट को ओपन करेंगे तो लिंक क्लिकेबल हो जाएगी, तो वो लिंक क्लिक करके आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो यह था व्हाट्सएप सर्विसेज, जो आज के समय में सब लोगों को ज़रूरत है, सभी फाइनेंशियल सर्विसेज वो आपको मिल जाए। अगर आपको कोई ऐसी सर्विस चाहिए, आपको कौन सी सर्विस चाहिए, कौन सी सर्विस ऐड करना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो आज जो बात किया वो किया था व्हाट्सएप सर्विसेज के, व्हाट्सएप से आप कैसे सर्विस ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि उसके जो टाइम है उसी हिसाब से अप्लाई कर सकें।